नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं, ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्तियों की। दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मध्य प्रदेश के 2100 युवाओं को लाइफ वॉरियंटियर का प्रशिक्षण दिया जाने वाला है, तो उसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए यहाँ पर हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पहले ये एक मैसेज बता देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के 2100 युवाओं को लाइफ वॉरियंटियर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया प्रत्येक जिले में से प्राप्त आवेदनों की सूची संबंधित कलेक्टर को भेजी जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक जिलों से अधिकतम 35 वॉरियंटियर का चयन होगा। पंजीयन नियम निर्देश के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा। तो चलिए हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। एंटर होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ वॉरियंट यूथ फॉर लाइफ वॉरियंटियर ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। यहाँ पर आपको लाइव स्वयंसेवी के आवेदन हेतु नियम शर्तों प्राप्त करने के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर अगर आपको नियम और शर्तें अगर आपको पढ़ना है तो नियम शर्तें पढ़ने के लिए यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, और ऑनलाइन आवेदन करना है तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले नियम शर्तें पढ़ लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करके भी बताऊंगा तो यहाँ पर बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं खुद भी यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने वाला हूँ, तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो कल या परसों के दिन इसका नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। इसकी लास्ट डेट 25 तारीख है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज आपको यहाँ पर आज 14 तारीख है, तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पर नहीं सॉरी 15 तारीख है, तो यहाँ पर आपको 10 दिन अभी बाकी हैं, तो हम बिल्कुल यहाँ पर परसों आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, आप हमसे भरोसा रखिए बस। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पहले हम इसका नोटिफिकेशन जो है वो सही तरीके से पीडीएफ के रूप में पढ़ लेते हैं। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया है तो ये हमारे सामने पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। पीडीएफ डाउनलोड हो गया, हमें उसे कुछ जूम कर लेते ताकि आप सभी को भी दिक्कत ना पड़े। तो यहाँ पर हमने इसे जूम कर लिया है। तो यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 21 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान ग्लासगो में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए विश्व के सामने जीवन शैली को बदलाव आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 23 मार्च 2023 को आयोजित यूथ महापंचायत में व्यक्तित्व किए गए संकल्प बिंदु क्रमांक 17 लाइफ इन्वॉल्वमेंट पर्यावरण के लिए जीवन शैली हेतु युवा नेतृत्व और विकास के तत्व में यूथ फॉर लाइफ प्रशिक्षण कार्यक्रम में आरंभ किया जा रहा है। युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने में पर्यावरण के क्षेत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हेतु यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले में लाइफ वॉलंटियर का चयन किया जाएगा। उन्हें मिशन लाइफ के अनुसार 7 थीम पर प्रदान किया जाएगा। ऊर्जा की बचत, नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग, जल की बचत एवं संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग हेतु हतोत्साहन करना, घरेलू कचरे में कमी लाना, स्वास्थ्य जीवन शैली, सतत एवं स्वास्थ्य भोजन पद्धति को बढ़ावा देना, ई बेस्ट का उचित अर्हता है क्या है। मध्य प्रदेश में प्रत्येक मूल निवासी होने इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपकी आयु अगर 29 वर्ष से अधिक है तो इसमें आप आवेदन नहीं कर सकते। 18 से 29 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी विषय में स्नातक आपका कम्प्लीट होना चाहिए। आवेदन है तो पंजीयन नियम सत्य यहाँ पर आपको दे दी गई है। तो चलिए, आवेदन की अंतिम तिथि 25 मई है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक जिले से प्राप्त आवेदनों की जिलेवार सूची संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी। संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा योग्य आवेदकों का चयन कर सूची कार्यपालन संचालक एसपो को प्रेषित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के अधिकतर जिला कलेक्टर अपने जिले के ऐसे युवाओं को जो पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं उन्हें अपना स्वयंसेवक मिला जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से अधिकतम 35 युवाओं को चयनित किया जाएगा। जिला स्तर पर चयन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि यथासंभव शहरी क्षेत्रों से तथा महिलाएं पुरुष प्रतिभागियों का संतुलन बना रहा है। पंजीयन बिल्कुल निःशुल्क रहा जाएगा। प्रशिक्षण में उपस्थित प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता देने की सुनिश्चित राशि उनके ऑनलाइन के खाते में आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाएगी। प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम का स्थान, समय, तिथि सूचना जिला प्रशासन द्वारा चयनित विद्यार्थियों को ईमेल तथा व्हाट्सएप नंबर पर पृथक की जाएगी। चयनित लाइफ वॉरियंटियर के मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश संस्थान द्वारा दिया जाएगा। लाइफ वॉरियंटियर को पर्यावरण के क्षेत्र में अनुभव एवं विषय के निष्णात परीक्षणों द्वारा प्रशिक्षण किया जाएगा। यहाँ पर आवेदन हेतु गूगल फॉर्म के क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, इस लिंक के क्लिक करके विशेष, ठीक है, यहाँ पर नोट आपको दिख रहा होगा, यह स्पष्ट किया जाता है कि यूथ लाइफ फॉर रोजगार मूलक या आजीविका संबंध कार्यक्रम नहीं है। जो युवा साथी शिक्षा से समाज में पर्यावरण के प्रति चेतना लाने में योगदान देना चाहते हैं,
स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर परिवर्तन के वाहक की भूमिका का निर्वहन करना चाहते हैं उन युवाओं को प्रबोधन हेतु एक प्रशिक्षण, इसमें आपको कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत किसी किसी प्रकार का वेतन मानदेय आपको दिया नहीं जाएगा। तो दोस्तों अब इसका नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, आपको मैंने पूरी बता दी है कि क्या कुछ प्रोसेस रहेगी। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन अभी करना है तो हमें जरूर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपको जल्द मिलेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद।